मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में आयोजित रामायण महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विविध निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी शुरुआत चंदखुरी से हुई, शिवरी नारायण के बाद तीसरा राजीव लोचन मंदिर और अब चंपारण में भी भगवान राम की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है। ओकरे आग्रह है कि यहाँ चंपारण में भगवान राम के भव्य मूर्ति के आज अनावरण हुई। लगभग 3,58,00,000 रुपया के कार्य परियोजना में कराए गए चंपारण में भगवान राम की प्रतिमा, राम वाटिका, दीप स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र, गजीबो, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, लैंडस्केपिंग, ऐसे अनेक काम यहां कराए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकार्पित कैफेटेरिया को नो लॉस नो प्रॉफिट पर चंपेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित करने की घोषणा की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई।